अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सायमा ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती बॉक्स में डाल दी, और टपाल चाय के अलावा कोई चाय मुझे समझ में नहीं आती। दो दिन ये नहीं थी तो हमने बाहर से मंगवाई थी पत्ती, जो कि बिल्कुल भी पीने के काबिल ही नहीं थी चाय। हम यही इस्तेमाल करते हैं और इसी का जायका हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, दूध रखा है बॉयल करने के लिए, और अब जो है ना मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा जी, इतने आराम से जैसे रूटीन हम आपको बता रहे होते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होता। सुबह में बड़ी हलचल मची होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके जाने के बाद जो है फिर आराम से कहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे नाश्ता करने का। और यहाँ पर नाश्ते के साथ साथ जो है मुझे हूरक को भी नाश्ता करवाना पड़ता है, लेकिन आज वो केक खा रही हैं। और यहाँ पर जो है पानी वाला पानी भी ला चुका है। अब ये पानी मुझे सारा जो है ना बोतलों में भरना है और फ्रिज में रखना है। यहाँ पर आज मैंने सोचा है कि मैं लौकी बनाऊँगी, तो ये आप देख सकते हैं लौकी मैंने बना ली है। इसको मैंने जो है ना फ्राई पैन में ही बनाया है, बड़े वाले फ्राई पैन में। लौकी काट कर मैंने उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर डाल दी हैं, और लहसुन को बीच में फिर मैंने बाद में जब ऑयल निकला कद्दू को, लौकी को, या कद्दू हम कद्दू बोलते हैं, लौकी को भूनने के बाद जो है जो ऑयल निकला उसमें मैंने लहसुन को भी अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि 10-15 मिनट ढकने के बाद जो है लौकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, सिर्फ इसे फ्राई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूध थोड़ा बना रही हूँ ठंडा ठंडा, ताकि बच्चे आए तो उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें पीनी चाहिए, या तो दूध सोडा हो गया, या कच्ची लस्सी जो होती है आधा दूध आधा पानी, वो भी ठंडा ठंडा जो होता है वो भी अच्छा होता है गर्मी के लिए, गर्मी दानों के लिए। और ख़ासकर जो है ना आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि गर्मी के बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है पीलिया भी हो रहा है। तो ये ठंडी चीज़ें हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, गर्म चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी दिनों से गोश गोश गोश, तो अब जो है ना आज मैंने सोचा सब्ज़ी बनाऊं और दाल वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुहेमा ने बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाई, और उसने अपने पापा को फ़ोन करके पुलाव मंगवाया और साथ में फालसे का जूस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम की चाय भी मैं पी रही हूँ साथ साथ, और हूरक को झूला भी दे रही हूँ। अब मैं छत पर आ चुकी हूँ, 6 बजे का टाइम हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बच्चे जो है वो ट्यूशन जा चुके हैं, हूरक, सुहेमा और हसन ट्यूशन जा चुके हैं। अब अनकरीब मैं सोच रही हूँ कि हूरक को भी ट्यूशन में डाल दूँ, तो बस 2-3 दिन में जो है ना मैं हूरक को भी ट्यूशन में डालने वाली हूँ, ताकि ये जो 1 साल या 2 साल जो है ट्यूशन में पढ़े, उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। तो यहाँ पर हो गया रात के खाने का टाइम। रात का खाना हम छत पे ही खा रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं माश की दाल है और साथ में सलाद है। सलाद में सारा रायता जो है हूरब ने उंडेल दिया है, और यही हरकतें करते हैं बच्चे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ब्लॉग एंड तक देखा।